पाखी के रोमांटिक लंच को धक्के मार कर निकलेगा विराट सई के पास, क्योंकि सई का एक्सीडेंट हो चुका है और इस बारे में जो है वो विराट को पता चल गया है। इसके साथ ही साथ विराट जो है वो पाखी को बहुत कुछ सुनाने वाला है। वो ये बोलने वाला है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने सई को ऐसे नहीं बोला होता तो सई जो है वो ऐसे नहीं निकलती और फिर ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये सुनने के बाद पाखी और भी ज़्यादा बौखला जाती है और इस एक्सीडेंट के बाद विराट जो है सई के और भी करीब हो जाता है और इसके साथ साथ भवानी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है सई के लिए। तो यहाँ पर पाखी की जो भी हरकत हो रही है वो पाखी के अगेंस्ट ही जा रही है और अब जो इस एक्सीडेंट के बाद होने वाला है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। विराट जो है बहुत परेशान होगा सई के लिए और ये देख कर पाखी बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सीडेंट पाखी ने करवाया है? वेल, आपको बता दें जो बात सामने आई है यानी कि जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है उसमें ये है कि पाखी ने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया है और माना जा रहा है कि ये एक्सीडेंट उस शख्स ने करवाया है जिसका कंप्लेंट जो है वो करवाने जा रही थी सई। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि उसी से रिलेटेड ही कुछ मामला है जिसका कंप्लेंट के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में वो आई थी और वही मामला है और उसी वजह से इस इंसान ने जो है धक्के मारे हैं यहाँ पर जो ऑटो को और इस ऑटो में सई बैठी है। तो ये लग रहा है कि ये वो मैटर है। हालांकि ये मैटर बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन इस मैटर से पाखी की हालत बेहद ख़राब होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने वाला है विराट को। बहुत गुस्सा करने वाला है वो पाखी पर और वो बहुत कुछ उसको भला बुरा सुनाने वाला है। तो वहीं पर बात करें आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अश्विनी है वो तो पूरी तरीके से पाखी के गुणगान में लगी हुई है और उसे बहुत टेंशन हो रही है। निनाद से भी वही बात कर रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि पाखी के साथ कुछ भी गलत हो और सई का रहना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत है, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। उधर पाखी है वो अपने कमरे में प्योरीफायर लगवा रही है ताकि वीनू को फ्रेश एयर मिल सके, जिसके बाद यहाँ पर वो भवानी से बहस भी करती नजर आती है। भवानी कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रही हो, कोई भला माँ जो है अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है क्या कि उसे कमरे में बंद कर दे, कहीं बाहर खेलने ना जाने दे? क्योंकि आप सबको पता ही है कि सई के दिमाग में एक ख्याल आ गया है और सई ने जो है वो चोर पुलिस का सीन क्रिएट किया है यहाँ पर ताकि किसी भी हालत में वीनू यहाँ पर आए और खेले। लेकिन यहाँ जब आ जाती है सवी और उसको लेकर यहाँ से जाने की बात करती है तो पूरी तरीके से वीनू मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा नीचे और बच्चे भी बुलाते रह जाते हैं बट वीनू नहीं आता है। पाखी साफ साफ मना कर देती है और कह देती है सवी से कि वीनू नहीं जाएगा। ये सुनकर जो सई है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये देखने के बाद जो भवानी है वो कहती है कि ये क्या हरकत है और जो खेल होता है वो बच्चे खेले तो ही अच्छा लगता है। ये बात सुनने के बाद जो पाखी है वो जवाब दे देती है भवानी को और कहती है कि ये खेल वाली बात जो है वो जाकर आप आउट हाउस में कहिए। तो यहाँ पर भवानी को भी इस बात का एहसास होगा कि जितना ज़्यादा पाखी को उसने अपने सिर पर बिठाया था उतना ही अब वो काफ़ी अजीब हो गई है। फिलहाल यहाँ पर सई जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और वो इस कोशिश में कामयाब भी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो एक्सीडेंट वाला सीन आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा, जिसमें सई का ही जो पलड़ा होगा वो भारी होगा और वीनू को भी काफ़ी अजीब लगेगा कि सई का एक्सीडेंट हो गया है तो वीनू भी जाएगा सई के पास, ऐसा हो सकता है। ये प्रेडिक्शन कुछ सामने आ रही है। तो यहाँ पर पाखी के हाथ कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक तो उसका रोमांटिक लंच जो है वो भी ख़राब होगा और साथ ही साथ वीनू की सिंपथी भी सई को मिल जाएगी, कुछ ऐसा आप सब देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।